और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान जा रही युवती से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है जो आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे प्रकरण में सामने आया है चौंकाने वाला सच। सूत्रों के अनुसार पूरा मामला जुड़ा है लव जिहाद से। कल जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ था ये पूरा ड्रामा। एक युवती पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। युवती के पास ना तो कोई फोन था और ना ही पहचान पत्र था, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने लिया था युवती को हिरासत में, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार युवती चौमू में रहकर कर रही थी पढ़ाई। उसी की एक सहपाठी ने इंस्टाग्राम पर करवाई थी लाहौर निवासी युवक से दोस्ती। इतना ही नहीं, युवती को सिखाया गया था नमाज पढ़ना। 5 बहन और 1 भाई है युवती के परिवार में और पिता जैसलमेर में सेना में तैनात है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पिता जैसलमेर में सेना में तैनात है युवती के। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, ये एक अलग ही एंगल निकलकर सामने आया है। हालांकि एयरपोर्ट पर जब युवती पहुंची थी तब उसके पास ना पासपोर्ट था ना कोई दस्तावेज थे। चंद रुपयों के साथ वो वहां पर पहुंच गई थी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को आप तक पहुंचाया था और लगातार पुलिस उस युवती से पूछताछ कर रही थी। हालांकि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की थी, पहले तो उस युवती ने पुलिस को खूब घुमाया और झूठी बातें कहती रही, लेकिन उसके बाद में जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने कहा कि इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर इस युवती की दोस्ती हुई थी। लेकिन फिलहाल पूरी पूछताछ अभी इससे की जा रही है। चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं और वही नजर भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में देखिए, चौंकाने वाला सच ये सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं जो पूरा मामला है वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपको यह भी बता दें, उसका गजल नाम बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई तो बाद में उसने अपना नाम शीला यादव बताया और उस बात से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये कोई ऐसा मामला हो सकता है कि धर्म परिवर्तन या फिर लव जिहाद का। तो वही बातें निकलकर सामने आ रही है। कल एयरपोर्ट पर काफी देर तक ड्रामा चला था, काफी देर तक युवती से पूछताछ भी की गई थी। एक युवती पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। आपको याद होगी ये खबर, याद होगी ये बात, युवती के पास ना तो कोई फोन था ना ही कोई पहचान पत्र था। हालांकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि युवती की सहपाठी ने उसकी इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, उसके जरिए ही युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया था और उससे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि युवती चौमू में रहकर पढ़ाई कर रही थी। हालांकि उसे बताया गया कि सीकर की वो रहने वाली है और उसके माता पिता को भी पुलिस ने फोन कर दिया था। और आपको यह भी बताएं कि युवती की सहपाठी ने इंस्टाग्राम पर करवाई थी लाहौर निवासी युवक से दोस्ती। तो क्या युवती की जो सहपाठी है वो भी इस पूरे मामले में मिली हुई है? क्या लव जिहाद का जो एंगल निकलकर सामने आया है, तो क्या इस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा है, जिस तरीके से ये लड़कियों को फंसाते हैं उसके बाद दोस्ती करवाते हैं और इस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इतना ही नहीं, युवती को नमाज पढ़ना भी सिखाया गया था, ये भी बात निकलकर सामने आई है। लेकिन परिवार में युवती के कौन कौन है, आपको बताएं कि 5 बहन है और 1 भाई है। लेकिन आप ये समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवती के पिता जैसलमेर में सेना में तैनात है और सीमा के उस पार से आप देखेंगे जिस तरीके से जो जिनके पेरेंट्स सेना में तैनात है उन बच्चों को, उनके परिवारों को टारगेट किया जा रहा है बाकायदा। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से जो सेना में तैनात है लोग उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनके बच्चों के पास बाकायदा फोन पहुंचता है, उनको पहले फंसाया जाता है गेमिंग के चक्कर में, उसके बाद उनसे वो करवाया जाता है जो वो चाहते हैं। और इसी तरीके से हालांकि कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता जैसलमेर में तैनात है युवती के। लेकिन फिलहाल अभी भी पुलिस पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर उस युवती से पूछताछ कर रही है। जो युवती पाकिस्तान जा रही थी, जिसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था क्योंकि ना तो उसके पास फोन था, ना उसके पास कोई दस्तावेज थे, ना ही कोई अन्य कागज थे, इसीलिए उसे रोका गया था और लगातार उससे पुलिस पूछताछ भी कर रही थी। काफी ड्रामा कल हुआ है उसके बाद से, क्योंकि कई एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि लड़की को नमाज पढ़ना भी सिखाया गया था। तो क्या ये जानबूझकर इस युवती का ब्रेन वॉश किया गया था? ब्रेन वॉश के बाद युवती ने सोचा कि उसे पाकिस्तान जाना है? और क्या वाकई में ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो चल रहा है? सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे सत्यनारायण, क्योंकि कल तो सिर्फ नाम बदलने की बात सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो ये पता चला है उसके पास ना तो कोई फोन था, फोन नहीं था तो फिर कहाँ से वो इंस्टाग्राम पर आती? लेकिन जो सहपाठी की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या उसकी भी कुछ भूमिका थी? पूरी जानकारी आपके पास क्या है वो बताइए दर्शकों को। देखिए, पूछताछ जारी है, जो युवती है उससे
जारिया शासक के सामने आए कि जो साथी थी उसकी साथी यूपी थी उसने उसको नमाज पढ़ना सिखाया था और उसके अलावा कई अन्य बातें भी है, लेकिन के बाद में हालत क्लियर हो पाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है, उसका यही कहना है कि जो इस मामले के अंदर किसी का हाथ है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस की ओर से बस यही कहा गया कि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि जो युवती है उसका माइंड वॉश किया गया था। माइंड वॉश करने के बाद में उसको ये कहा गया था कि पाकिस्तान आपको जाना है। हालांकि घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने जिन जिन व्यक्तियों के पूछताछ करी है उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन बड़ा मामला यह है कि लगातार भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, तो अब जयपुर पुलिस एक्टिव हो गई है और कोशिश की जा रही है उस व्यक्ति तक पहुंचने की जो कि ये सब करवा रहा है। दीपिका जी, सत्यनारायण एक बात और यहाँ पर, क्योंकि जिस सहपाठी का बात निकलकर सामने आई है, क्या उसका नाम पता चल पाया? क्या युवती की तरफ से यह भी बताया गया है कि नमाज पढ़वाने के साथ साथ उसके साथ और क्या क्या किया गया है? क्या उससे और कहा गया था? क्या धर्म बदलने की भी बात उससे कही गई? ठीक है, पुलिस के पास में उसके साथी का नाम भी आ चुका और साथ साथ कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनका नाम पुलिस अस्पताल में, हालांकि नाम की नाम खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये बात जरूर कही गई कि जो जो व्यक्ति घटनाक्रम में शामिल होंगे गिरफ्तारी जरूर होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि नाम भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस बात की प्रयास कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम के असली जो गुनाहगार है वहां तक पहुंच सके, गिरफ्तार किया जा सके और इस तरह घटना दोबारा न हो इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सत्यनारायण अभी तो उस लड़की से उस युवती से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कोई नई बातें उसकी तरफ से बताई गई है इन बातों के अलावा? सत्यनारायण मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि अभी तो फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन आप इससे ये समझिए कि सोशल मीडिया आजकल कितना घातक भी हो सकता है, तो सोच समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके बच्चे जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, किन से वो बात कर रहे हैं, इस पर नजर भी रखी जाए, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा नेक्सस हो, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और उनसे वो कराया जाता है जो वो चाहते हैं। तो क्या ये मामला भी उसी तरह का नजर आ रहा है? हालांकि सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल भी इससे निकलकर सामने आया है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ना तो कोई फोन था युवती के पास और ना ही कोई अन्य दस्तावेज थे जो कि पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चौंकाने वाला सच इस पूरे मामले में सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो मामला है वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जैसलमेर में सेना में तैनात है, तो क्या कोई खुफिया जानकारी इस युवती के जरिए जुटाना चाह रहे थे ये लोग? क्या पूरी तरीके से प्लान बनाया गया इस युवती को फंसाने का अपने चक्कर में? ये तमाम सवाल है जो कि पूछताछ के बाद पता चलेंगे।